देखिए अब हम इसमें डालते हैं। इसको चूरना है। सारा सामग्री एक साथ मिला देना है दीदी। हाँ भैया, एक में मिलाकर इसको चूरना है। इसको चूरना महीन बनाना है। हाँ, चूर चूर के इसको चटनी बनाना है। देखिए भैया, ये ठीक महीन हुआ। इतना महीन कुटना है दीदी। हाँ भैया, 300 ml गौमूत्र है, इसमें हम डालते हैं। इसका चटनी को इसमें डाल दीजिएगा दीदी। हाँ भैया, चटनी की इसी में डालते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा? अब इसको चूल्हा पर चढ़ाना है। चूल्हा पर चढ़ाना है। हाँ, इसको घोरिएगा ना फिर दीदी। हाँ भैया, ठीक है भैया, चलिए हम चूल्हा धराते हैं, आप लेकर आइएगा। देखिए भैया, अब झांकते हैं इसको, ढक देते हैं। इसको ढक देते हैं। हाँ, इसके बाद कि इसको कितना देर तक खोलाना है? अब भाप अथी होगा तो उतार देंगे। इसको चार तुरी करना है। चार बार करना है। हाँ, देखिए भैया, अब तैयार हो गया। तैयार हो गया दीदी। हाँ, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या कीजिएगा दीदी? इसको 48 घंटा के लिए भैया हम झांक कर छोड़ देते हैं छांव में। इससे राह जाती है, तब इसको हम मतलब रख देते हैं 6 महीना तक इस्तेमाल करना। यानी इसको झांक के 48 घंटा के लिए रख दीजिएगा। हाँ, ठीक है। 48 घंटा के बाद इसको अच्छा कपड़ा, सूती कपड़ा साफ से इसको छानना। सूती कपड़ा छानना है दीदी। हाँ भैया, इसका रंग हरा और काला मिट्टी जैसा दोनों भी हो सकता है, ये पत्ता पर डिपेंड है। इसका रंग हो जाता है। हाँ, बदल जाता है ना। हाँ, इसको यही लगी छाना जाता कि जो मोटा रहता ना, जो कपड़ा में छना जाती है, सब मोटा चीज निकल जाता है। हाँ, अब इसको छिड़काव कर सकते हैं खड़ा फसल पर। अब मेरा बारहमास्तर तैयार हो गया भैया। तैयार हो गया दीदी। हाँ भैया, अब इसको कितना दिन तक रख सकते हैं? ये अब खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बचा जो 6 महीना तक रख दीजिएगा, खराब नहीं होगा, फिर इस्तेमाल होगा। अब एक कट्ठा में 25 लीटर पानी। 25 लीटर पानी। हाँ, अब ब्रह्मास्तर 700 ml। 700 ml देना। हाँ, जो बच्चा मतलब 6 महीना तक उसको इस्तेमाल करना है। बताइए तो ये कौन कौन फसल में हम इसका उपयोग कर सकते हैं? इस सारे चीज में, आलू में होगा, गेहूं में होगा, धान में होगा, चना में होगा, पपीता में होगा, फल भी कोई चीज है उसमें भी होगा। फल में भी काम करता। हाँ, ब्रह्मास्तर हम कीटनाशक के रूप में मनु इस्तेमाल करते हैं। आपको फसल में कीड़ा लगा है तो ब्रह्मास्तर इस्तेमाल करना है, और नहीं भी लगा है तो इस्तेमाल करना, ये फसल के बचाव के लिए है। सही बताइए दीदी, इसको महीना में क्या बार इस्तेमाल करना है? महीना में 2 बार, 15 दिन पर दिन पर इसका इस्तेमाल करना जी।